हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस जेके टूअर तो गाइस आज के सेशन में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ जनरल साइंस तो स्टार्ट करते हैं सेशन फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन प्रोसेसेस कि एनर्जी की कौन सी जो है सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है ऑप्शन नंबर वन ग्लूकोज ऑप्शन नंबर टू ए ऑप्शन नंबर थ्री ए एंड ऑप्शन नंबर फोर माइटोकॉन्ड्रिया सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज ए टी को हम गाइस बोलते हैं एडिनोसिन सीन ट्राई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजिव ट्रैक्ट ऑप्शन नंबर वन ट्रेपसीम ऑप्शन नंबर टू सेलोज ऑप्शन नंबर थ्री एप्सिम एंड ऑप्शन नंबर फोर एमिलस तो गाइज ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये एज ए कैटलिस्ट होते हैं ओके okay? और ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं उनको एनहेंस करते हैं ओके okay? तो ये जो एमिलस है ये एंजाइम हमारा जो माउथ में सलाइवा है वो सिक्रीट करता है और एमिलियस क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है ओके तो नेक्स्ट ट्रिप्स नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो है वो हमारा पेनक्रियास क्रिएट करता है और ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है ओके नेक्स्ट आ गया पेप्सिन पेप्सिन क्या है ये बेसिकली हमारा स्टमक सिक्रेट करता है एंजाइम ओके okay? तो पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को ब्रेकडाउन करता है अमाइनो एसिड में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हेन एयर इज़ ब्लोन फ्रॉम माउथ अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कि जैसी टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे इसमें क्या है लाइम वाटर है तो जब हम क्या करते हैं माउथ से इसमें एयर ब्लो करेंगे तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की टर्न हो जाता है ओके तो क्वेश्चन हम से पूछ रहा है कि ये लाइम वाटर मिल्की जो है किसकी प्रेजेंस से हुआ ऑप्शन नंबर वन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर टू कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर थ्री वाटर वेपर एंड ऑप्शन नंबर फोर ऑक्सीजन सो गैस जब हम एयर लो करते हैं तो जैसे आपको पता हो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्जेल क्या करते हैं कार्बन डाईऑक्साइड तो जैसे ही हमने क्या किया एयर ब्लो करी टेस्ट ट्यूब में तो सी ओ टू जो है एक्जेल हुई और जब सी ओ टू मिक्स हुई लाइन वाटर के साथ तो लाइन वाटर जो है मिल्की टर्न हो गया सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर थ्री इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर डांडी मार्च गांधी जी अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एसोसिएटेड विद गांधी जी का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक मोमेंट है दैट इज डांडी मार्च तो क्वेश्चन पूछा है कि डांडी मार्च किससे एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर वन है आयरन ऑप्शन नंबर टू सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर थ्री एलमुनियम एंड ऑप्शन फोर सल्फर सो गाइज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन फोर इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज़ सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट तो आपको पता ही है जैसे डांडी मार्च में सॉल्ट का यूज़ किया गया था गांधी जी के द्वारा सो गईस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर ऑफ फिफ्थ क्या है अ स्ट्रॉग स्मेलिंग सबस्टांस इज एडिड टू एल पी जी सिलेंडर टू हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ गैस नेम दैट ऑर्डर एंड कि एल पी जी सिलेंडर में क्या होता है गैस एल पी जी सिलेंडर में ब्यूटेन एंड प्रोपेन फिल की जाती है ओके ब्यूटेन एंड प्रोपेन तो ये जो दो गैसेस हैं ने ये नेचुरल नैच, गैसेस हैं इनकी कोई अपनी स्मेल नहीं होती तो ये जब गैस लीक होंगी तो हम इसको हमें डिटेक्ट करने के लिए इसमें क्या किया जाता है एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है तो हमें क्या करना है उस सब्सटेंस का नाम बताना है ऑप्शन नंबर वन है क्लोरीन ऑप्शन नंबर टू है अमोनिया ऑप्शन नंबर थ्री है डाइमिथाइल सल्फाइड एंड ऑप्शन नंबर फोर इथाइल मरकेप्टिन सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इथाइल कैप्टन, ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्स है द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स दैट pitch पिच ऑफ अ साउंड साउंड वेव की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे जो है साउंड की पिच को डिटर्मिन किया जा सकता है ऑप्शन नंबर वन है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर टू है एम्पलीट्यूड ऑप्शन नंबर थ्री है वेवलेंथ एंड ऑप्शन नंबर फोर इंटेंसिटी तो गाइज पिच को डिटरमिन कैसे किया जाता है विद हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ ऑसीलेशन पर यूनिट टाइम ओके कि एक मिनट में वेव कितनी बार ऑसिलेट करी ये क्या आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी। एम्पली क्या है ये जो हाइट आ जाएगी आपकी वेव की इसको बोला जाता है एम्पली सो करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन वन फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन की जाती है और साउंड की लाउडनेस या सॉफ्टनेस डिटरमिन की जा सकती है एम्पलीट्यूड से ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा इफ़ जाइलम ऑफ अ प्लांट इज़ मकैनिकल ब्लॉक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द प्लांट विल बी एफेक्टेड कि अगर प्लांट का ज़ाइलम टिश्यू ब्लॉक हो जाता है तो प्लांट का कौन सा फंक्शन इफेक्ट करेगा ऑप्शन वन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सल्यूट ऑप्शन नंबर सेकेंड है ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट ओनली एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सो गेज़ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ ऑप्शन नंबर टू दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सल्यूट तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन दे रखी है कि जाइलम जो है वो क्या करता है वाटर को और बाकी न्यूट्रिएंट को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू शूट सेकेंड जो है फ्लोइम टिश्यू फ्लोइम टिश्यू क्या करता है फूड को और बाकी सब्सटेंसेस को वो लीव्स से बाकी पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट करता है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है फोटोसेंसिस इज एन फोटोसेंसिस कौन सी रिएक्शन है ऑप्शन नंबर वन है एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन नंबर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन नंबर थ्री ऑक्सीडिएशन रिएक्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर रिडक्शन रिएक्शन तो गाइस एक्जो रिएक्शन क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपने क्या करना है इनके रूट वर्ड्स याद रखने हैं जैसे एक्सोथर्मिक में रूट वर्ड आ रहा है ई एक्स और एंडोथर्मिक में रूट वर्ड आ रहा है ई एन ओके ई एक्स से याद रखना है आपने एग्ज़िट और ई एन से याद रखना है एंटर ओके तो वो रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व होगी जिसमें से हीट एग्ज़िट करेगी वो कौन सी रिएक्शंस आ जाएंगी आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन और वो रिएक्शंस जिसमें हीट यूज़ होगी जिसमें हीट एंटर होगी वो कौन सी रिएक्शंस आ जाएंगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन तो जैसे कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस -स्यं रिएक्शन में सनलाइट का यूज़ होता है यानी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है सनलाइट एंटर की जाती है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर टू दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ पे जो है मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो है? जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी तो वो कौन सी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन ओके और नेक्स्ट है रिडक्शन अगर किसी रिएक्शन में सब से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो वो कौन सी रिएक्शन आ जाएगी रिडक्शन रिएक्शन ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर नाइन में हमने क्या करना है यहाँ पे लिस्ट वन में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और लिस्ट टू में उनके केमिकल नेम है हमने क्या करना है इनको मैच करना है फिर हमने ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है वो चूज़ करना है सो लिस्ट वन में पहला कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर सेकेंड कंपाउंड है बेकिंग सोडा थर्ड कंपाउंड है वॉशिंग सोडा एंड फोर्थ कंपाउंड है कॉस्टिक सोडा तो लिस्ट टू में फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सी ए सी एल टू सेकेंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन ए एच सी ओ थ्री एंड थर्ड ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, एन ए टू सी ओ थ्री टेन टाइम्स एच टू ओ ऑप्शन फोर है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एन एच तो गैस अगर हम देखें तो हमें पता है जैसे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो इट मीन्स ए का आंसर हो जाएगा हमारा वन फिर क्या है बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तो बी का क्या आ जाएगा आपका टू सी क्या है वॉशिंग सोडा तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ Na2CO3 टू सी ओ थ्री टेन टाइम्स वाटर तो ये भी सही है इटमिन सी का क्या आ जाएगा थ्री का और कॉस्टिक सोडा का कॉमनली नेम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच तो डी का आ गया फोर तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो जैसे एक फर्स्ट का फर्स्ट ही आ गया सेकंड का सेकंड सकेंग, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ तो ऑप्शन नंबर ए है तो नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है ऑप्शन नंबर वन है वॉट ऑप्शन नंबर टू है अर्ग ऑप्शन नंबर थ्री है डाइन एंड ऑप्शन नंबर फोर किलो वॉट पावर तो जैसे हमें पता है वॉट जो होता है वो पावर का यूनिट है ऐसा यूनिट ओके तो अर्ग क्या है वो एनर्जी का यूनिट है बट वो सी जी एस यूनिट है ओके एनर्जी का सी जी एस यूनिट क्या है अर्ग थर्ड ऑप्शन है डाइन और फोर्थ किलोवाट आवर। तो गाइज करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर फोर दैट इज़ किलोवाट आवर तो आप सभी क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डाइन जो है वो किसका ए, किसका यूनिट है ओके यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो किलो वॉट है उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट ओके जैसे जब हम घर पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो बिल आता है तो उसमें लिखा पड़ता है कि हमने इतने यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम की तो वो बेसिकली क्या है किलो वॉट है आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा चीज़ें क्लियर हुई होंगी अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सक्सेस जेके टू फोर सेवन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस बाय बाय टेक केयर